हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके। ये है अनदर दिन, पता नहीं होते दिन भी याद नहीं रहते कि मंडे आके संडे आ, और हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए। आज सारा दिन बारिश होती रही है और अब थोड़ा सनी है, तो हमने सोचा कि बाहर थोड़ी वॉक करके आते हैं पार्क में जाके, और समय हो चुका है 6। कैमरे की बैटरी बंद होने वाली है, सोचा था व्लॉग करूँगी पर फोन नहीं कर पाना, सॉरी। अब घर आके आने के बाद बारिश फिर से बहुत ही अच्छी शुरू हो गई थी, और हिम्मत का मन था कि वो बारिश में प्ले करे, और उसका ये भी मन था कि ये फुटेज को हमारे व्लॉग में ऐड किया जाए क्योंकि उसे बहुत मज़ा आया था। मुझे भी बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता था, लाइक बहुत मज़ेदार लगता है मैन। सो मुझे बहुत अच्छा लगा जब हिम्मत इन्जॉय कर रहा था। गाइस, दिनो अदर डे देन मी एंड मम्मी We are playing at the rain a lot and we night night and I have fun with mama and I love her a lot. Love you too, mom. तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और अब मैं बनाने वाली हूँ, हस्बैंड बनाएंगे नूडल्स और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ मशरूम 65। और मैंने सोचा कि आपके साथ क्विकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ क्योंकि आपने बहुत बार पूछा है उसके बारे में, मैंने मुझे लगता है कई व्लॉग्स में उसको डिस्कस भी किया है। तो हम यूज़ करेंगे मशरूम्स इस साइज़ की, इसको क्लीन करके इसकी डंडियाँ काट लेंगे और इसको बैटर में डाल के, सो बैटर बना लिया मैंने। बैटर में मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और फ्लावर ऑल पर्पज़, और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट पेपर एंड लाल मिर्ची। तो इस कंसिस्टेंसी का हम बैटर बना लेंगे जैसे बेसन बनाते हैं, पर हम ये ऑल पर्पज़ फ्लावर से बना रहे हैं। और इसमें मशरूम को डिप करके हम लोग करेंगे फ्राई। पैन को मैंने ऑलरेडी रख दिया है, थोड़ा सॉइल डालते हैं और यहाँ पे पानी रखा है नूडल्स को बॉयल करने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेते हैं। बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, मेरे बाल बेचारे अजीब गरीब हो गए। मुझे लगता है कि मेरे व्लॉग्स में बालों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करती हूँ। और या मशरूम हमारी फ्राई हो रही है, हमें इसको थोड़ी और देर करेंगे और ये कुक हो जाएंगी। मशरूम बहुत ज़्यादा जल्दी क्विकली कुक हो जाती हैं, और हस्बैंड की हेल्प लेंगे थोड़ी चॉपिंग शॉपिंग में, और नूडल्स भी बॉयल हो रहे हैं। हस्बैंड आजो तो की कर दे रहे हैं यार। सो यस, हम फ्राई हो रही हैं, उसको निकाल लेते हैं और हस्बैंड हेल्प करेंगे। हम इसमें डालेंगे अनियन, गार्लिक, दैट्स इट। ये दो इंग्रेडिएंट्स ही पड़ेंगे। स्प्रिंग अनियन इसमें अच्छा लगता है पर मुझे लगता नहीं मेरे पास स्प्रिंग अनियन है। निकाल लेंगे हम इसको। सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ पैन में ऑलिव ऑयल, और उसके बाद हम गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़ा रॉ गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगता है। वंस गार्लिक थोड़ा कुक हो जाएगा तो मैं इसमें अनियन ऐड कर दूँगी, और अनियन को हम तब तक कुक करेंगे जब तक वो ट्रांसलूसेंट कलर के नहीं हो जाते, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड पेपर।
सॉल्ट एंड पेपर को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं टमेटो केचप एंड सोया सॉस, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमेटो केचप एंड सोया सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और वंस ये ऑयल छोड़ देगी तो हम इसमें हमारी मशरूम्स को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह उसको मिक्स कर देंगे इस बैटर के साथ ताकि उसकी कोटिंग हो जाए। और आप इसको सर्व कर सकते हैं स्प्रिंग अनियन की गार्निशिंग के साथ, पर हमारे पास स्प्रिंग अनियन है नहीं तो मैंने इस पे कोरिएंडर की गार्निशिंग कर ली है और ये रेडी है खाने के लिए। रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया क्योंकि टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक कुक का और शेफ का। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं कुछ भी कुक करूँ इतना डिलिशियस बन जाता है कि क्या बताऊँ। कई लोगों को लाइक वरदान होता है ना कि आप कुछ भी बनाएंगे डिलिशियस बनेगा, लाइक मेरे हाथों में इतना स्वाद है, मेरे हाथों में इतना स्वाद का जादू है कि जहाँ भी मैं ऐसे कर दूँ लाजवाब लबाबदार खाना बन जाता है। ओके सो सर्विंग टाइम। गाइस भूख लगदी भैया खा लो प्लीज खा लो। प्यारी दस दे कुल्फी की डालिए पिस्ती कुल्फी। मैं आज तक इतनी बढ़िया कुल्फी खादी नहीं कदम से कदम मिलाकर नहीं तो कभी बनाई नहीं। मैं उनके सपनों की परछाई पहली बार गाइज इस क्वारंटीन के समय में मेरे घर में एक नया रूल है कि हर समय में मुझे एक हेल्पर चाहिए। सो अगर हस्बैंड कोई हेल्प कर देते हैं लंच या डिनर में तो फिर वो क्लीनिंग में हेल्प नहीं करते, फिर हिम्मत करता है। तो आज हस्बैंड ने नूडल्स बनाने में हेल्प कर दी तो क्लीनिंग में बारी आती है लिटिल हिम्मत की और वो किचन को क्लीन करने के लिए मेरी हेल्प करने वाला है। अब देखें कि वो कितने प्यारे तरीके से मेरी हेल्प करता है। पहले हम दोनों डिश वॉशर को खाली करते हैं, देन मैं डिशेज़ को क्लीन करते जाती हूँ और वो उनको डिश वॉशर में सेट कर देता है और देन वो सोप डाल के डिश वॉशर को ऑन कर देता है। उसे पता है कि कौन कौन से बटन प्रेस करने हैं। ये मेरे पति को पता नहीं है और ये मेरे लिटिल नन्नू रामू को पता है। थैंक यू हिम्मत फॉर हेल्पिंग मी। आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों बहनों पर सबको मेरे व्लॉग्स के बारे में बताएं और उनकी जिंदगी सवार सॉरी
पर बताएं। और मैं मिलूंगी आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, बाय, लालू।